बच्चों अब हम लेटेंट हीट के बारे में जानेंगे हमने चेंज ऑफ स्टेट कर में देखा था कि जीरो डिग्री पर आइस को हीट देने पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है यह हीट आइस को वाटर में चेंज करने में यूज होती है सिमिलरली हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर को हीट देने पर टेम्परेचर सेम रहता है एंड वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है इसी हीट को लेटेंट हीट कहते हैं सो नाउ लेटेंट हीट कैन बी डिफाइंड एज इट इज हीट पर यूनिट मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ हीट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट इज क्यू एंड मास ऑफ सब्सटेंस इज एम देन वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू एम एल यहां पर एल इज लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस लेटेंट हीट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है और यह प्रेशर पर डिपेंड करती है एंड इसकी ऐसा यूनिट जूल पर के होती है अब यदि फेस चेंज सॉलिड से लिक्विड में होता है तो इसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं यदि फेस चेंज लिक्विड से गैस हो तो इसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं एंड इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं वाटर के लिए लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन पावर फाइव जूल पर के जी होती है यानी कि वन के जी आइस को मेल्ट करने के लिए हमें थ्री पॉइंट थ्री थ्री इंटू टेन पावर फाइव जूल हीट जरूरत होगी एंड वाटर के लिए लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर फाइव जूल पर के जी यानी कि वन के जी वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें 22.6 पावर जूल हीट देनी होगी। चलिए आगे एक इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके हाथ पे गर्म पानी गिर जाए एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका हाथ स्टीम के साथ कांटेक्ट में आए तो किस केस में आपको ज्यादा बर्न्स होंगे आपको जान के आश्चर्य होगा कि बर्न्स स्टीम के केस में डैट इज हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे जो स्टीम है उस केस में ज़्यादा होगा ऐसा इसलिए होता है जो वाटर हंड्रेड डिग्री पर है बॉइलिंग वाटर उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होती है विच इज ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिश्ते पावर फाइव जूल्स सो जो स्टीम है एट हंड्रेड डिग्री उसमें बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन में ट्वेंटी टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिश्ते पावर फाइव जूल ज़्यादा हीट होगी तो जब हमारा हाथ इस टेम्परेचर पर स्टीम के कांटेक्ट में आता है तो ज्यादा सिवियर बर्न्स होते हैं एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो मिनट दिए जाते हैं अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करिए और क्विकली इसको सॉल्व करिए फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो में हमें दिया है kg है, ऑफ आइस इज जीरो डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम मिक्स कर देते हैं जी ऑफ वॉटर जो कि फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड पे है दोनों को मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर बनता है इट इज सिक्स पॉइंट सेवन डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको पता करना है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम एक एजम्पन लेंगे विच इज कि जो सराउंडिंग है और जो हमारा कंटेनर है दोनों के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले हीट लॉस बाय वाटर फाइंड आउट करेंगे जो वाटर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और जब वो 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो वो कुछ हीट लॉस करेगा उस हीट लॉस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं मस ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर टी टू माइनस टीवन इज फिफ्टी माइनस सिक्स पॉइंट सेवन तो इससे जो हीट लॉस बाई वॉटर आता है इट इज फाइव फोर थ्री सेवन सिक्स पॉइंट वन फोर जू ने जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे देखें जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होगी तो उस आइस को मेल्ट होने के लिए कुछ हीट जरूरत होगी इट कैन बी फाउंड आउट बाय फ्यूजन मास ऑफ आइस हमें दिया हुआ है पॉइंट वन फाइव एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें कैलकुलेट करनी है अब जो ये आइस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो गई है उसका टेम्परेचर फाइनल है सिक्स डिग्री सेंटीग्रेड जीरो डिग्री से सिक्स पॉइंट सेवन डिग्री सेंटीग्रेड आने में वो कुछ हीट एब्सॉर्ब करेगा दिस एब्जॉर्ब इन हीट कैन बी फाउंड आउट बाय सेम एम इंटू एच डब्ल्यू इंटू टी टू माइनस टी वन तो इधर मास ऑफ आइस और मास ऑफ वाटर एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड होगा पॉइंट वन फाइव इंटू फोर वन एट सिक्स एच डब्ल्यू की वैल्यू है टी टू माइनस टी वन हो जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन माइनस जीरो इस so, प्रोसेस पे जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो आती है हमारे पास फोर टू जीरो सिक्स पॉइंट नाइन थ्री जूल्स नाउ टोटल हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू टोटल हीट गेन्ड सो हीट लॉस्ट हमने सबसे पहले निकाला है फाइव फोर थ्री सेवन सिक्स पॉइंट वन फोर जूल दिस विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड तो इससे हमारे पास एल एफ की वैल्यू आ जाएगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज थ्री पॉइंट थ्री फोर इंटू टेन पावर फाइव जूल पर के जी आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रिपल पॉइंट हम जानते हैं कि फेस चेंज के ड्यूरिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है सब्सटेंस के प्रेशर व टेम्परेचर के बीच के कर्व को फेस डायग्राम या पीटी डायग्राम कहते हैं जैसा कि यहां पर वॉटर लिए दिखाया गया है यह फेज डायग्राम पी प्लेन को सॉलिड रीजन वेपर रीजन एंड लिक्विड रीजन में डिवाइड करता है ये रीजन एक दूसरे से सब्लिमेशन कर्व बीओ फ्यूजन कर्व एओ एंड वेपराइजेशन कर्व सीओ से सेपरेटेड हैं। सब्लिमेशन कर्व बीओ पर लाई करने वाले पॉइंट्स उन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिन पर सॉलिड एंड वेपर फेजेस को करते हैं सिमिलरली फ्यूजन कर्व एओ पर लाई करने वाले पॉइंट्स उस स्टेट को प्रेजेंट करते हैं जिस पर लिक्विड एंड सॉलिड फेस को एग्जिस्ट करते हो एंड वेपराइजेशन कर्व सीओ पर लाई करने वाले पॉइंट्स दिखाते हैं जहां पर लिक्विड एंड वेपर फेजेस को एग्जिस्ट करते हो अब जहां पर ये तीनों कर्व दैट इज फ्यूजन कर्व सब्लिमेशन कर एंड वेपराइजेशन कर्व मिलते हैं एंड सब्सटेंस के तीनों फेजेस को करते हो उसे सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट कहते हैं वेन प्रेशर इज 6.11 पॉइंट 10 वन इंटू पावर 3 पास्कल उस टाइम पर वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट की समरी इस प्रकार से है हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा फिर हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी क्या होता है मूलर हीट कैपेसिटी, हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में पढ़ा हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में पढ़ा अभी तक पड़े हुए कॉन्सेप्ट्स के आधार पर अब आपको एनसीईआरटी टी एन अवंती वर्कबुक के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है